नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को 5 बार की विजेता और गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से मात देकर आईपीएल 2021 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ वो पॉइंट टेबल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बाद दूसरे स्थान पर पहुँच गई है। दिल्ली की इस जीत में अमित मिश्रा और शिखर धवन ने अहम भूमिका निभाई। आईपीएल 2021 का 13वां मैच रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और युवा कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। बता दें, आईपीएल के इतिहास में शिखर धवन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। धवन ने बतौर ओपनर आईपीएल में 5000 रन पूरे किए हैं। आईपीएल के इतिहास में धवन बतौर ओपनर 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। आखिरी ओवर तक लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूर करने वाले और प्रमुख गेंदबाजों के प्रदर्शन के बल पर जीत हासिल करने वाली मुंबई इंडियंस की रणनीति दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विफल रही। 137 रन का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स जीतने की स्थिति में थी, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की वजह से मैच अंतिम ओवर तक चला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। दिल्ली की जीत में शिखर धवन की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने 42 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने अपने नाम वो रिकॉर्ड बनाया जो कोई भी अभी तक नहीं बना सका है। दरअसल इस मैच में शिखर धवन आईपीएल की सलामी बल्लेबाज के रूप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। शिखर धवन ने जैसे ही 24वां रन पूरा किया तो उन्होंने बतौर ओपनर 5000 रन पूरे किए और इतिहास रच दिया। रोहित ने 160 पारियों में आंकड़ा छुआ है, जिसमें 18 बार नाबाद भी रहे हैं। शिखर धवन दिल्ली के साथ जुड़ने से पहले मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर और सनराइजर हैदराबाद के लिए भी खेल चुके हैं। बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में धवन के बाद दूसरा नंबर डेविड वार्नर का है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।